नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। हमारा चैप्टर प्रतिशत से संबंधित है और इससे पहले हम प्रतिशत के लिए चार वीडियो आपके सामने ला चुके हैं और आज का ये जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और अदर क्लासेज के लिए। तो सबसे पहले बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ, लेकिन इस चैप्टर को समझने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इससे संबंधित जो सूत्रों का निर्माण है वो हम इससे अगली वीडियो में आपके सामने ला चुके थे। और अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं और सूत्रों को बनाना अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, उस वीडियो को जरूर पहले देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें ताकि सूत्रों का निर्माण आप आसानी से समझ सकें और उसके बाद इन प्रश्नों को आसानी से आप और भी अच्छा समझ पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। तो आज का अपना जो पहला प्रश्न है उसमें यदि किसी मेले में सोमवार को है वो देखने के लिए 6000 लोग आए, लेकिन अगले दिन जो लोग आए उनमें 17% की है बढ़ोतरी हो गई, संख्या बढ़ गई, तो मंगलवार को कितने लोग मेले देखने आए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, इससे पहले जो हमने सूत्र पढ़े थे उसमें हमने ये बताया था कि जब भी इस प्रकार का यदि प्रश्न आए जिसमें वृद्धि या कमी नज़र आए तो उसमें आपको ये देखना है कि कौन सी संख्या है जिससे इस प्रश्न की शुरुआत हुई और कौन सी ऐसी संख्या होगी जिस पर इस ये प्रश्न है वो खत्म हो जाएगा। ये ध्यान रखना, बस शुरुआत की संख्या और एक अंत की संख्या। तो चलिए सबसे पहले देखिए, यहाँ पे सोमवार को है वो 6000 दर्शक आए, हमें कौन से पूछे गए हैं, मंगलवार वाले, मतलब शुरुआत सोमवार से हुई, बात मंगलवार पे खत्म हो रही है, तो सोमवार की जो संख्या होगी वो सबसे पहले लिखेंगे। ध्यान रखिए, सोमवार को जो दर्शक आए कितने आए, 6000, ये हम पहले लिखेंगे। फिर मंगलवार बाद में आता है, मंगलवार वाले दर्शकों की संख्या अगर है तो यहाँ लिखेंगे, अगर नहीं है तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा, मतलब अब हमें ये ज्ञात करनी है। अब ये देखना है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, वृद्धि हो रही है या कमी। तो हमने बीच में क्या देखा कि सर वृद्धि हो रही है वो कितनी है, 17%। अब इनसे हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ये पता लगाना है कि मंगलवार को कितने लोग मेला देखना है, ये हमें ज्ञात करनी है। तो अब देखिए, जो चीज़ हमें ज्ञात करनी है वो आखिर है क्या, तो हम देखेंगे कि प्रश्न के हिसाब से वो है अंतिम संख्या है। तो अंतिम संख्या के लिए हमने सूत्र बनाया था, चलिए सूत्र बनाते हैं। मंगलवार को दर्शक, क्योंकि मंगलवार को है यही पूछा गया कितने दर्शक है वो देखने आए, प्रतिशत में इस प्रकार से वृद्धि या कमी होती है। किसी का भी सूत्र पूछा जाए हम ज्ञात कर सकते हैं, उसके लिए मान ज्ञात करने के लिए सूत्र लगा सकते हैं। चलिए मैं सूत्र लगाता हूँ, मंगलवार को दर्शक यानी कौन सी है, ये अंतिम, जो जैसे ही आप, मैंने बताया पहले अगर आप सूत्र वाले वीडियो को नहीं देखेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन यदि आपने सूत्र वाला वीडियो देखा है तो आपको वहाँ सूत्र रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ सूत्र को हमने इस प्रकार आपके सामने लेकर आए, इस प्रकार से हमने समझाया है कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। चलिए बढ़ते हैं, जब भी हमें अंतिम संख्या पूछी जाए हमें करना क्या है, अंतिम के लिए या अंतिम के ठीक सामने हमेशा क्या करना है कि यदि वृद्धि है तो 100 में जोड़ देंगे, यानी वृद्धि प्रतिशत, सॉरी अगर वृद्धि प्रतिशत है तो उसे 100 में जोड़कर व्यक्त करेंगे, हमेशा अंतिम वाला नंबर पूछेगा, तो हमें इसी प्रकार से करना है। यदि कमी प्रतिशत हो तो 100 में से घटाकर दर्शाना है। चलिए अब देख दीजिए, ये 17 कौन था, प्रतिशत था, और प्रतिशत जो होता है वो उसके नीचे हमेशा 100 ही आता है, पूरे के नीचे बट्टा 100 लिख दें। और फिर क्या सोचना है कि बट्टा के नीचे 100 आया लेकिन इसके बट्टा के नीचे कोई भी नहीं आया, सूत्र बनाने के लिए आपको यही समझना है कि इसके बट्टा के नीचे जो आया तो उसे बट्टा के नीचे भी ऐसी संख्या लेंगे जो इसके संगत हो। अब 100 के संगत कौन होगा, तो बता दूं वृद्धि और कमी में 100 के संगत में हमेशा वो संख्या आती है जिससे प्रश्न की शुरुआत हो। याद रखें, ये यदि 100 ऊपर चला गया तो यहाँ पे वो प्रारंभिक संख्या है वो ऊपर चली जाएगी जिससे प्रश्न की शुरुआत हुई है। तो शुरुआत किससे हुई है, 6000 से, तो यहाँ 6000 कहाँ है, इस बट्टा के नीचे, लेकिन बट्टा के नीचे से ये हट जाएगा और कहाँ चला जाएगा, पक्षांतरण की वजह से गुणा में चला जाएगा। बस सूत्र बनाने का जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ वही तरीका रखना है, आपको सूत्र कभी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए ऊपर कितने हो गए, 117, बट्टा में हो गए 100, वापस हो गए 6000। अगर सोचिए अगर यहाँ पर कमी होती, कमी प्रतिशत, तो हम यहाँ पर 100 में से 17 घटाते और यही तरीका रखते। चलिए शुरू करते हैं, नीचे 2 जीरो, ये ऊपर के 2 जीरो से कट गए, बट्टा कहीं से एक का कोई मतलब नहीं, 60 को 117 से गुणा करेंगे, ये जीरो तो वैसे का वैसा ही रहेगा, 6 से हम गुणा कर देंगे, 6 को 7 से गुणा कर दिया ये 42, ये 4, 6 को 1 से गुणा किया और ये हासिल वाली जोड़ दी ये 10, फिर 1, 6 को 1 से गुणा किया और 1 ये हो गया 7, 7020, मतलब ये हुआ मंगलवार को दर्शक आए कितने, 7020। दूसरा प्रश्न लेते हैं कि वर्ष 2019 में मदनिका वासनिक मासिक जो वेतन है वो कितना था,
2019 का में पूछा गया है, जबकि उसके वेतन में 6% की वृद्धि के बाद वर्ष 2020 में मासिक वेतन है वो 31,800 रुपए हो गया। तो चलिए इसमें देखते हैं प्रश्न की शुरुआत किससे हुई है, कौन सी ऐसी संख्या जिसे संख्या की प्रश्न की शुरुआत हो रही है और कौन सी ऐसी संख्या है जिस पर प्रश्न है वो खत्म हो रहा है। चलिए यहाँ पे दो बात हो रही है, एक तो 2019 का वेतन और एक 2020 में मासिक वेतन। तो चलिए पहले वर्ष आता कौन सा है 2019 और बाद में कौन सा आता है 2020, मतलब यहां जो संख्या आएगी वो अंतिम, यहां जो संख्या आएगी वो होगी प्रारंभिक और बीच में होगी वृद्धि या कमी। तो यहां पे भी वृद्धि ही दी गई है प्रश्न में और वृद्धि प्रतिशत है कितनी 6%। अब देखिए 2019 में मदद का मासिक वेतन कितना था, मतलब ये हमें पता नहीं है, लेकिन 2020 में 31,800 रुपये उसका मासिक वेतन है वो प्रश्न में दिया गया है, मतलब ये प्रश्न है वो पहले प्रश्न का जस्ट उल्टा है। यानी क्या, वहाँ पे प्रारंभिक संख्या थी अंतिम पूछी गई थी, यहाँ पे अंतिम है और हमें प्रारंभिक ज्ञात करनी है। चलिए बढ़ते हैं और करते हैं इस प्रश्न को, कैसे करना है हमें, कौन सी ज्ञात करना है 2019 में मासिक वेतन, ये हमें ज्ञात करना है कि आखिर ये वेतन कितना है। तो सूत्र देखिए, सबसे पहले सूत्र हम बनाना सीखते हैं। मैंने अभी बताया कि जब भी आपको प्रारंभिक संख्या इस प्रकार की वृद्धि या कमी वाले प्रतिशत वाले सवाल में यदि प्रारंभिक संख्या पूछी जाती है तो सबसे पहले उसके सामने लिखेंगे 100 और 100 के नीचे जाएगा प्रतिशत वाला भाग। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, अब आप कहोगे सर मैं नीचे लिखूंगा 6%, देखो गलत नहीं बोल रहा हूँ, सही हो सकता है लेकिन देखते आगे, अगर मैं इसके नीचे लिखता हूँ 6%, केवल 6%, मतलब कौन, वृद्धि प्रतिशत, और अगर मैं यहाँ वृद्धि प्रतिशत लिखता हूँ तो मुझे ठीक सामने वृद्धि लिखनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने सूत्रों में आपको यही समझाया कि जो भी इसके नीचे आएगा उसके संगति वाला भाग हमेशा इसके सामने लिखना पड़ेगा, यानी इसके नीचे हमें सोचना पड़ेगा। इसलिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बाद में करते हैं, चलिए बढ़ते हैं। तो वृद्धि प्रतिशत को अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो यहाँ वृद्धि लिखनी पड़ेगी, लेकिन प्रश्न में कहीं भी वृद्धि दी हुई नहीं है। तो देखिए कि इस प्रतिशत के अलावा प्रश्न में कौन सी ऐसी संख्या है जो दी गई है, क्योंकि सर ये दी गई 31,800, यानी कौन, अंतिम संख्या, यानी यहाँ पे हमें अंतिम संख्या दी गई है लेकिन वृद्धि कहीं पे भी नहीं है, मतलब इस वृद्धि प्रतिशत से कुछ ऐसा करेंगे ताकि ये अंतिम बन सके। तो मैंने बताया था अभी आपको, अंतिम बनाने के लिए वृद्धि प्रतिशत को 100 में जोड़ा जाता है और कमी प्रतिशत को 100 में से घटाया जाता है। आप कहोगे सर ये आपने क्यों किया, क्योंकि हमने देखा कि अगर मैं 6% को, केवल 6% को यहाँ लिखता हूँ तो वो है वृद्धि प्रतिशत, तो हमें सामने वृद्धि लिखनी पड़ेगी, लेकिन सामने वृद्धि लिखने के लिए वृद्धि की संख्या भी तो होनी चाहिए, जो पूछा गया वो यहाँ लिख दिया, बाकी जितने भी है वो सभी नंबर हमें पता होना चाहिए, लेकिन वो नंबर हमें पता नहीं है इसलिए अकेले 6% को लिख नहीं सकते। तो हमने देखा एक्स्ट्रा में और कौन सी संख्या है कि सर ये अंतिम वाली, पहले वाली नहीं दी गई, अंतिम वाली दी गई है, तो अंतिम वाली यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसलिए अब क्या करना पड़ेगा, प्रतिशत को भी अंतिम में बदलना पड़ेगा, और प्रतिशत वाली संख्या को जब अंतिम में बदलना हो तो वो वृद्धि प्रतिशत है तो 100 में जोड़कर अंतिम बनाएंगे और कमी प्रतिशत है तो 100 में से घटाकर उसे अंतिम बढ़ाएंगे। चलिए ये अंतिम बन चुकी है और अंतिम के सामने हमेशा संगति में अंतिम संख्या ही आएगी जो प्रश्न में है, ये रही अंतिम 31,800, अगर बट्टा में से हटाएंगे तो वो चली जाएगी गुणा में 31,800। चलिए शुरू करते हैं, वापिस ये हो गया 100, बट्टा में हो गए 106 इंटू हो गए ये 31,800, यहाँ पे 106 ये 318, ये जो इसमें 106 है इसमें जो 318 नज़र आ रहे हैं ये आपस में कट रहे हैं, 106 के पहाड़े से ये एक बार और ये 106 के पहाड़े से 3 बार, तो ये 2 जीरो जो बच गए वैसे के वैसे क्या रह गया 300, फिर 300 को 100 से गुणा करते हैं, बट्टा के नीचे एक का कोई मतलब नहीं, 3 एकम 3, गुणा में जितने भी जीरो संख्याओं के पीछे लगे होते हैं वो सब वैसे के वैसे ही वापस लिख दिए जाते हैं, तो ये 4 जीरो लग गए, ये 30,000 रुपये ये जो है उस मदन का ये मासिक में वेतन है और कब का, वर्ष 2019 में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, तो तीसरा प्रश्न लेते हैं कि किसी विद्यालय में वर्ष 2016 में 700 विद्यार्थी थे और अगले वर्ष 2017 में 672 विद्यार्थी हो गए। तो ये प्रश्न जैसे ही हमने देखा यहाँ दो वर्ष दिए गए, तो 2016 और एक 2017, 2016 के अंदर 700 विद्यार्थी, 2017 के अंदर यहाँ पे हमने देखे 672 विद्यार्थी, मतलब अब देखिए
इसमें प्रारंभिक संख्या भी दी गई है और अंतिम संख्या भी दी गई है। जब भी कोई प्रश्न ऐसा आए जिसमें प्रारंभिक और अंतिम दोनों दी गई है, मतलब ये हुआ कि बीच में कोई ना कोई कमी होगी। चलिए बढ़ते आगे। तो विद्यार्थियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि या प्रतिशत की कमी है, मतलब हमें जो वृद्धि या कमी पूछी गई है वो किसमें पूछी गई है, प्रतिशत में। लेकिन अभी हमारे पास ये जो दोनों नंबर है ये दोनों ही नंबर प्रतिशत में नहीं है। तो सबसे पहले जो बीच वाला जो नंबर ज्ञात होगा वो भी प्रतिशत में नहीं होगा, याद रखें। तो अब हम करेंगे कि वृद्धि हुई या कमी, तो हम खुद समझ सकते हैं भाई पहले 700 थी अब 672 हो गई, यानी पहले से अब है वो कम हो गई। तो याद रखें पहले से अंत वाली क्या हुई है, ये नहीं देखना है कि पहले वाले अंतिम वाले से पहली वाली देख ली ये सर हाँ या वृद्धि हो रही, नहीं। 700 से 672 हुई, पहले 700 थी फिर 672 हो गई, मतलब हुई क्या है कमी। और ध्यान रखें इस प्रकार की संख्या में केवल कमी होगी, कमी प्रतिशत नहीं होगी, पहले जाना कमी करें पहले। तो 700 को देखा 672 हो गए, यानी कमी हो गई कितने विद्यार्थियों की, 28 विद्यार्थियों की कमी हो गई। और ध्यान रखें इस प्रकार से यदि वृद्धि या कमी होती है तो पहले वो ज्ञात करने के बाद ही उसको प्रतिशत में बदला जा सकता है। यानी इस प्रश्न में देखिए प्रतिशत वृद्धि या कमी, मतलब दोनों ही यहाँ पे दिए गए, लेकिन वृद्धि होगी तो कमी नहीं हो सकती और कमी हुई तो फिर वृद्धि नहीं हो सकती। लेकिन प्रश्न वाला हमें कन्फ्यूज करने के लिए वो दोनों शब्द एक साथ लिख सकता है, लेकिन हमें पता लगाना है कि वृद्धि हुई है या कमी हुई है। चलिए तो कमी प्रतिशत है, यहाँ पर देखते हैं कमी प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं, सूत्र बनाते हैं। सबसे पहले बता दूं मैं आपको, जब भी इस प्रकार से किसी प्रतिशत का प्रश्न पूछा जाए, सूत्र पूछा जाए, तो पहले उसी का संगत भाग, कमी प्रतिशत तो संगत में क्या आएगा, कमी ही आएगी, याद रखें। चलिए अब बट्टे इसके नीचे है, इसके नीचे बट्टा मानना है, प्रतिशत के बट्टा में हमेशा क्या आएगा 100, याद रखें प्रतिशत जो होगा उसके बट्टा में 100 ही आएगा, 100 ऊपर चला गया तो प्रतिशत नीचे आएगा। चलिए इस बट्टा के नीचे मान लिया कितना 100, 100 के सामने हमेशा कौन सा आता है प्रारंभिक, यानी प्रारंभिक यानी ये आएगी, जो भी प्रारंभिक संख्या है वो आएगी, बट्टा में इसके 100 माना था उसका करेंगे पक्षांतरण, वो चली जाएगी गुणा में। अब आप कहोगे सर इसमें एक ऐसी संख्या जो काम में नहीं ली ये आपने कौन सी, अंतिम वाली। देखिए अब अंतिम वाली हमने कहीं काम में नहीं ली, तो आप जैसे ही मैंने इससे जो पहली वीडियो सूत्र के लिए लेकर आए थे हम, वो अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको वहां पता ये चलेगा कि ये जो बीच वाले जो नंबर होते हैं कमी वृद्धि प्रतिशत, कमी प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत, इनके सूत्रों के अंदर अंतिम संख्या को कभी काम में नहीं लिया जाता है। क्यों, इनका जब भी सूत्र होगा बीच वाले का, क्योंकि ये जो अंतिम वाला नंबर है ना इस पर वृद्धि या कमी नहीं हुई, वृद्धि और कमी होती है हमेशा प्रारंभिक संख्या पर, अंतिम संख्या पर वृद्धि या कमी नहीं होती। इसलिए जब भी बीच वाली संख्याओं का कमी प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत कमी वृद्धि उनके सूत्र बनाते हैं तो फिर उनके सूत्रों में ये अंतिम संख्या काम में नहीं लेते हैं। अब बताइए कमी कितनी 28, प्रारंभिक कितनी 700, ये कितने 100, ये 2 0 2 0 कट गए, फिर 7 को 28 से काट सकते हैं एक ही पहाड़े माते, 7 × 1 = 7, 7 × 4 = 28, ये आगे कितने 4। हमने क्या ज्ञात किया है, कमी नहीं की हमने, कमी प्रतिशत की है तो इसके पीछे भी प्रतिशत लग जाएगा। यानी हमें इस प्रश्न में देखा जाए तो विद्यार्थियों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो वो है 4% की कमी। तो चौथे प्रश्न में एक गौशाला है जिसमें वर्तमान में 972 गायें हैं, लेकिन हर वर्ष गायों की जो संख्या है वो 8% बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है, तो बताइए कि पिछले वर्ष से इस वर्ष में गायों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है। यहाँ देखिए दो बात हो रही है, एक हो रही है पिछले वर्ष की और एक हो रही है वर्तमान वर्ष की। अब सोचिए अगर पिछले वर्ष की यदि बात हो रही तो पिछला जो वर्ष होगा वो प्रारंभिक होगा और वर्तमान है वो अंतिम होगा। वो अभी भी लग रहा है अभी वर्तमान जो आज चल रहा है, पिछला नहीं आज से जो पहले हो चुका है, अब पहले हो चुका है मतलब वो हो गया प्रारंभिक, यानी ये जो चीज़ है वो है प्रारंभिक और ये जो चीज़ है वो अंतिम। अब आपको सर ये क्या होगा, तो याद रखें जब भी वृद्धि और कमी की बात होती है जहाँ कहीं भी ऐसी बात हो वहाँ पे एक प्रारंभिक संख्या और एक अंतिम संख्या हमें ज्ञात करनी है, पता लगाना है, और फिर बीच में वृद्धि है तो वृद्धि, कमी है तो कमी, और वो भी क्या है प्रतिशत, तो प्रतिशत लिख देते हैं। प्रारंभिक यानी पिछले साल वाली है वो प्रारंभिक होगी, लेकिन पिछले साल कितनी गायें थी वो हमें पता नहीं है। चलिए
8% की वृद्धि हो गई, और जो वर्तमान है जो अभी अंतिम का काम करेगी वहाँ 972 गाय हैं। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है कि पिछले वर्ष में गायों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई, पिछले वर्ष से इस वर्ष में वृद्धि कितनी हुई, मतलब इन दोनों के बीच में जो टोटल वृद्धि हुई है वो हमें ज्ञात करनी है। हमें ज्ञात क्या करनी है, वृद्धि, ये हमें ज्ञात करनी। अब सोचिए वृद्धि ज्ञात करने के लिए जो इससे पहले हमारी जो वीडियो थी उसमें हमने सूत्र बनाए थे, और वृद्धि कमी इनके लिए जो भी सूत्र बनता है उसमें याद रखें ये अंतिम वाली संख्या कभी काम में नहीं ली जाती। क्यों? क्योंकि वृद्धि और कमी जो भी होती है वो हमेशा प्रारंभिक पर ज्ञात होती है, न कि वो अंतिम पर। तो अंतिम से इसका काम चलेगा नहीं, हमें ज़रूरत किसकी है, प्रारंभिक की। तो पहले हम क्या करेंगे, इस वृद्धि से पहले प्रारंभिक की ज़रूरत है, इसलिए हम प्रारंभिक ज्ञात करेंगे। याद रखें हमेशा बीच वाली चीज़ अगर कभी भी ज्ञात करनी हो, वृद्धि कमी, तो उसमें हमेशा अंतिम वाली है वो चीज़ काम में नहीं ली जाती। तो आज हम क्या करेंगे, पहले अंतिम से प्रारंभिक ज्ञात करेंगे। ज्ञात क्या करेंगे, प्रारंभिक यानी कौन सी, पिछले वर्ष वाली गायों की संख्या ज्ञात करेंगे। उसके लिए देखिए इसके संगति में कौन आ सकता है, प्रारंभिक है तो संगति में हमेशा कौन आएगा, 100 जहां आया नीचे लिखेंगे कौन सा, प्रतिशत। तो अब प्रतिशत को यदि मैं यहां 8 लिखता हूं तो 8 क्या है, वृद्धि प्रतिशत। तो अगर उसकी संगति में लिखना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे फिर, वृद्धि। लेकिन वृद्धि प्रतिशत के संगति में वृद्धि का मान हमारे पास है नहीं, यानी वृद्धि प्रतिशत के सामने वृद्धि लिख सकते हैं, लिखना ही पड़ेगा, यही होगा। लेकिन लिखेंगे कैसे, वृद्धि प्रतिशत तो है लेकिन सामने वृद्धि थोड़ी है, जो ज्ञात करना था वो हमने यहाँ लिख दिया है। अब जो भी मान है वो सब प्रश्न में दिए हुए होने चाहिए, तो अगर मैं यहाँ वृद्धि प्रतिशत लिखता हूँ तो मुझे वृद्धि लिखनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ वृद्धि का मान प्रश्न में दिया हुआ नहीं है। तो सोचिए कि ये मान नहीं है तो प्रतिशत के अलावा कौन सा ऐसा मान है जो प्रश्न में दिया हुआ है कि सर ये 972 दिया गया है जो अंतिम संख्या है। अब सोचिए ये 972 अंतिम संख्या है, तो 100 को देखकर प्रतिशत के अंदर भी जो अंतिम बढ़ सकती है वो बढ़ाएंगे हम। तो कैसे बढ़ाते थे, अंतिम 100 प्लस वृद्धि प्रतिशत, या फिर 100 माइनस कमी प्रतिशत, या वृद्धि प्रतिशत है तो 100 प्लस करेंगे, किसकी वजह से, अंतिम की वजह से। तो अब क्या होगा, ये क्या बढ़ गई, प्रतिशत के अंदर बढ़ गई अंतिम, तो इसके ठीक सामने क्या होगा, प्रारंभिक के लिए अंतिम कौन है वो नीचे आएगी यहाँ पे। तो प्रारंभिक ये रहा, इसके लिए अंतिम ये है, कौन है, 972, तो ये 972 यहाँ आएगा। देखिए प्रारंभिक के सामने हमेशा 100, तो 100 के सामने हमेशा प्रारंभिक, अंतिम के सामने अंतिम रहेगा, तो अंतिम यहाँ क्या है, 972, यहाँ से हट जाएगा 972, तो कहाँ जाएगा, गुणा में। ये सूत्र बनाने का तरीका हमेशा आप याद रखें, तो वही 100/108 × 972, 108 और 972 है वो 9 बार कट रहे हैं 108 के पहाड़े से, ये एक बार, ये 108 के पहाड़े से 9 बार, 9 को 100 से गुणा कर दिया, ये हो गई 900 गायें। मतलब ये कि पिछले साल है वो गायें कितनी थी, 900 थी। तो याद रखें इस प्रकार से हमने ये ज्ञात कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला जो प्रश्न है वो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा वो कठिन होने वाला है, इसलिए उसे समझने का तरीका थोड़ा ध्यान से देखें। पांचवें प्रश्न में किसी गांव में जो फसल उत्पादन है वो प्रति वर्ष 10% घट रहा है, कमी हो रही है। यदि वर्ष 2018 में फसल उत्पादन है वो 6561 क्विंटल था तो वर्ष 2016 का फसल उत्पादन कितना था, ये हमें ज्ञात करना है। चलिए अब यहाँ दो वर्ष की बात हो रही है, एक है 2018 और एक है 2016। तो पहले क्या आता है, 2016 पहले आता है और फिर 2018 आया था। चलिए पहले आपको यही देना है। अब आपको सर ये क्यों, क्योंकि जब भी मैंने बताया वृद्धि और कमी की बात होती है इस प्रकार से, तो हमें पहले लिखना है प्रारंभिक, फिर लिखना है अंतिम। तो प्रारंभिक 2016, अंतिम 2018। चलिए 2016 में फसल उत्पादन नहीं दिया गया है वही, और 2018 का फसल उत्पादन कितना है, 6561 ये क्विंटल है। अगर आप चाहो तो इसे किलोग्राम में चेंज कर सकते हैं, और क्विंटल रखना है तो क्विंटल रख सकते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो चेंज करना ही पड़ेगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो। चलिए बीच में देखते हैं क्या हो रहा है, कमी प्रतिशत हो रही है, कितनी हो रही है, 10%। अब सोचिए हमें ज्ञात क्या करना है कि 2016 का फसल उत्पादन, सोचिए 2016 का करना है, या 2016 या 2018 जो कमी हो रही है वो कैसे हो रही है, प्रति वर्ष, यहीं पे ध्यान से देखना है, प्रति वर्ष कमी हो रही है। तो सोचिए कि 2016 से सीधा 2018 आया, या बीच में कोई और भी वर्ष आएगा, हाँ 2017 बीच में छोड़ दिया हमने भाई, इसका मतलब ये बताओ ये जो 10% की कमी हुई है वो कितनी बार हुई है, ये हमें देखना जरूरी है। तो पहले 2016, फिर 2017, फिर 2018। तो ये सोचिए, ये देखा ना, प्रति वर्ष 10% की कमी होती है, मतलब हर साल 10% कमी, मतलब 2016 से 2017 में गए, यहाँ पे 10% की कमी माइनस, या जो भी है जैसे करेंगे, ठीक है। फिर आगे देखिए,
2017 से 2018 में गए वहां पे भी कमी होगी 10% की, क्योंकि वो बोल रहा है कि प्रतिवर्ष 10% कमी होती हो। तो यही इस प्रश्न में नया है कि यहां कमी जो हुई है प्रतिशत में वो एक बार नहीं यहां पे दो बार हुई है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में प्रारंभिक से अंतिम या अंतिम से प्रारंभिक कैसे ज्ञात करते हैं वो ध्यान से देखिए। तो हमें कौन सी फसल ज्ञात करनी है, 2016 में फसल उत्पादन, ध्यान से समझिएगा। अब क्या करना है हमें देखिए, 2016 में कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना है, वही काम कि ये जो चीज है वो अगर प्रारंभिक है तो संगति में प्रारंभिक चीज आएगी, अगर ये अंतिम है तो संगत में अंतिम चीज ही आएगी। चलिए 2016 ये क्या है आपने लिए प्रारंभिक, तो सामने क्या आ जाएगा 100 और फिर क्या लग जाएगा बट्टा। अब बट्टा के नीचे क्या आएगा, मैंने बताया कि आप जो चीज ज्ञात कर रहे हो अगर वो प्रतिशत नहीं है तो सोचिए कि प्रतिशत के अलावा क्या दिया गया है, तो ये दिया गया जो क्या है अंतिम, मतलब ये हुआ कि ये जो ज्ञात कर रहे हैं प्रारंभिक तो अंतिम एक्स्ट्रा में दी गई है तो इसके नीचे क्या आएगी अंतिम। तो यहां पे भी 100 को देखकर प्रतिशत में भी क्या बढ़ाएंगे अंतिम, वृद्धि और कमी के हिसाब से। तो यहां क्या है कमी, तो अंतिम अगर अंतिम बढ़ाएंगे क्या होगी, ये कमी है वो 100 में से घट जाएगी, यानी 100 - 10 कर दिए कितने हो गए 90। जैसे ही हमने ये किया ध्यान रखना ये हमने केवल एक बार कमी की है तो हम कहाँ पहुँच गए 2017 में, लेकिन अब हमें जाना कहाँ है 2018 में, इसलिए हम क्या करेंगे इसी चीज़ को वापस लिख देंगे। अब देखिए मैंने क्या लिखा 100/90, क्यों लिखा क्योंकि एक बार मैंने 100/90 किया, कैसे किया कि प्रारंभिक चीज़ के सामने 100 के नीचे क्या बढ़ाएंगे अंतिम, क्योंकि प्रश्न में अंतिम दिया गया है क्योंकि इसके सामने वो संगति में अंतिम आएगा यहाँ पे बट्टा के नीचे मानेंगे इसके, ठीक है। तो अगर ये अंतिम तो ये भी अंतिम, लेकिन हम जैसे ही एक बार करेंगे हम 2017 में पहुँचेंगे, एक बार और किया 2018 में पहुँच गए, एक बार अगर मैं और कर देता हूँ तो कहाँ पहुँच जाएंगे 2019 में भी जा सकते हैं, लेकिन अभी हमें करना नहीं है। इस प्रकार का प्रश्न है तो अलग तरीके का होगा थोड़ा, लेकिन अगर ध्यान रखें ऐसा हो जाए कि भाई पहले वर्ष 10% कमी हो गई, अगले वर्ष है वो 10% बढ़ोतरी हो गई, तो यहाँ पे 90 नहीं आएगा, फिर 100 में वो 10 क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा 110 हो जाएगा। तो जिस प्रकार का प्रश्न हो, कमी है तो कमी के हिसाब से, बढ़ोतरी है तो बढ़ोतरी के हिसाब से करेंगे, फिर इन दोनों के बीच में लगाएंगे गुणा का चिन्ह। ये हो गया 2017, ये हो गया 2018। अब यहाँ जो बट्टा में हमने माना था कौन सा, जो इस 90 की संगति में, 90 क्या बना अंतिम, तो संगति में कौन है अंतिम, अंतिम कौन सा है ये 6561 क्विंटल, ये यहाँ से हटेगा तो यहाँ आएगा 6561 ये क्विंटल। अब चलिए सरल करते हैं, नीचे एक जीरो ऊपर एक जीरो, नीचे एक जीरो ऊपर एक जीरो। अब आपको सर इसमें क्यों काटा, अगर आप इसमें जीरो काटते तो कोई दिक्कत नहीं, अंश और हर का कोई भी जीरो काट सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं, कोई कटता है तो ये 9 के पहाड़े में एक बार, यहाँ देखिए ये 9 के पहाड़े से कट रहा है, देखो 9 7 ये 63 क्या बच गया यहाँ पे 2 26, फिर 9 3 27 हो जाए, लेकिन 9 2 18 क्या बच गया यहाँ पे 8 8, और ये एक पीछे लगा हुआ 81, 9 का भाग क्या समझिए 9 9 81, ये और जा रहा है 9 का भाग 9 1 9, यहाँ देखिए 9 8 72 9 1 9 एकदम सही। बट्टा के नीचे एक बच्चा कोई मतलब नहीं, 81 को 100 से गुणा करेंगे, ये 81 ये 2 81 100, ये पीछे क्या लग जाएगा क्विंटल, जो पहले से लगाया हमने नहीं हटाया तो फिर नहीं हटा सकते, तो क्विंटल यानी 8100 क्विंटल ये जो हुआ था क्या फसल उत्पादन कब 2016 में। तो ये इस प्रकार का ये प्रश्न हमने कर दिया है। आज की ये जो वीडियो है अब ये आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, अगर अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए, लेकिन अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो पहले जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आएँ नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मैं आपको केवल इतना ही बताऊँगा कि हमारी जो अगली जो वीडियो आने वाली है वो ये आने वाले कंपटीशन एग्जाम जो अभी आने वाले हैं जैसे रीट है या BSTC है या और किसी अदर एग्जाम के लिए, उसके लिए हम सिलेबस के हिसाब से रीट के लिए इंपॉर्टेंट जो है बता रहा हूँ, जो अभी विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है, आगे विज्ञप्ति जारी होने वाली है रीट एग्जाम के लिए, तो रीट फर्स्ट लेवल के लिए हम बहुत सारे गणित के वीडियोज़ है सिलेबस के अनुसार लेकर आएंगे। तो आज जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।